हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशिके तिवारिया चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल सा फ्लावर जिसका नाम है सदाबहार। और चलिए आपको मैं अपना अपडेट दिखाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने अपना जो हार सिंगार का प्लांट था, तो यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्लावर पड़े रहते हैं हमारे हार सिंगार के प्लांट के। और ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर आप सभी देवी देवता पर चढ़ा सकते हो, शुभ प्लांट में से एक है। तो ये जो टाइम चल रहा है इसका ग्रोइंग पीरियड है, फ्लावरिंग पीरियड है, ठीक है। तो देखिए मैं आज लगभग 3 से 4 दिन के बाद आई हूँ गार्डन में, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और मैंने जो इस पर कुछ दिन पहले ट्रीटमेंट किया था उसके बाद इस पर फ्लावरिंग अच्छी खासी हुई है, पूरा भरा हुआ था। बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाया है और इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो अब देखिए इन पे से जो फ्लावर झड़ चुके हैं, फिर से हम कैसे इस पर फ्लावरिंग लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से फ्लावर झड़ने के बाद ना इसी के अंदर सीड बनने लगते हैं, तो सीड हमें नहीं चाहिए, हमें अभी इस पर और फ्लावरिंग चाहिए। तो जितने फ्लावर हैं जिनमें बर्ड बनी हुई है उनको तो हम अभी रहने देंगे, और जो एक्स्ट्रा जो झड़ चुके हैं खिलकर उनको हम कट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद और क्या नर्सरी वाले करते हैं जिससे उनके प्लांट पर फिर दोबारा से हार सिंगार के प्लांट पर फ्लावर आ जाते हैं, वही मैं भी आज करूँगी और आपको बताऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा हिबिकस का प्लांट रखा है उस पर मैंने ट्रीटमेंट करना आपको बताया था, तो अभी तो वो होल जो है ना वो कवर हो गया है यहाँ से। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पर, वो एक्सपेरिमेंट चूहा ले गया, ठीक है। तो इसी वजह से इस पर अभी कोई ग्रोथ नहीं हुई है और ना ही इस पर फ्लावर आएंगे, इसी वजह से मैंने इसका वीडियो आप सबके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलो अपने टॉपिक पर ही रहते हैं, हार सिंगार की बात कर रहे थे। तो चलिए मैं दिखाऊंगी इस पर और क्या क्या हम ऐड करेंगे। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब विंटर स्टार्ट होता है ना तो मधुमालती पर फ्लावरिंग बंद हो जाती है, बट देखिए मेरी मधुमालती पर तो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्लांट है, काफ़ी पहले मैंने इसकी क्लिपिंग एक शूट की थी, मतलब कि लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग मैंने आपको दिखाई थी, वो क्लिपिंग मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो उसके बाद देखिए फ्लावर जो हैं अभी भी खिल रहे हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो हैं इस पर सूख चुके हैं। तो जो इस तरह से सूख जाते हैं उनको आपको हटा देना है, और दोबारा से इसको फ्लावर पर लाने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तक मैंने इसमें कोई खाद वगैरह ऐड नहीं किया है, तो खाद जब हम इसमें डालेंगे तो इस पर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका सीज़न है। आता जाता जो मौसम होता है ना, जैसे हम समर से विंटर की तरफ आते हैं तब टेम्परेचर बड़ा अच्छा सा होता है तो इसमें फ्लावरिंग होती है, और जब हम विंटर में एंट्री करते हैं मौसम बड़ा सुहावना सा हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग होती है। तो मैंने इसको सावरिंग कर दी है, 2 से 3 प्लांट जो है ना आज मैंने उनको सावरिंग की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसलिए मैंने उनको सावर दे दिया है। और अब मैं इसमें खाद बताऊँगी आपको कि आप कौन सी खाद डालोगे जिससे इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। हालाँकि मेरे प्लांट पर ग्रोथ भी आपको दिख रही है, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही हैं ना आपको, ये नई ब्रांच है और इस पर पत्तियाँ जो है वो निकल रही है, और यहाँ से देखिए एक बर्ड जो है वो अभी डेवलप हो रही है। तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह ऐड करें और इसके बहुत अच्छे खुशबूदार फूलों का फिर से लुत्फ़ उठाएं। तो चलिए कौन सा खाद मैं इसमें ऐड करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर देते हैं। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि जो रूट है इसकी ओपन हो जाती है, और उनको हवा पानी जो कुछ आप दोगे इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वो सब कुछ उसके अंदर जाने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 इंच के करीब मैंने खाली कर दिया है मिट्टी, और यहाँ पर देखिए मैं इसको अर्थवॉर्म दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। वो मैंने इसी में डाल दिया है। एक्सेल लिए हैं, ये चाय पत्ती है, ग्रीन टी है एक्चुअली, और ये है चाय पत्ती, आप कोई सा भी ले सकते हो। फंगी पाउडर लिया है, एप्सम सॉल्ट लिया है, वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है, और ये मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर ज़रा सा मैंने पोटास भी लिया है, लगभग 2 चुटकी के करीब इसमें हमने अपनी पॉट में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। और ये 1 कप के करीब, बड़ा कप जिसे बोलते हैं, या फिर 250 से 200 ग्राम के करीब मैंने अपना किचन वेस्ट इसमें ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर दिया। और उसके बाद ये मिट्टी रखी है यहाँ पर, जो मैं मिट्टी बनाती हूँ वो वाली मिट्टी मैंने इसके ऊपर एक लेयर बना दी है। तो ये हमने खाद इसमें ऐड करे हैं, आप इसको रिपीट करोगे लगभग 20 से 25 दिन का गैप देकर। सेकेंड नंबर पर हमने यहाँ पर देखिए क्या हम इसमें और ऐड करेंगे, एप्सम सॉल्ट मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 2 चुटकी के करीब, और मैंने इसको बंद कर दिया है, अच्छे से सेक कर लिया है। और यहाँ पर मेरा वाटर जो है ना बहुत ज़रा सा, मतलब 1 ग्लास के करीब, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी प्लांट पर स्प्रे करना है इसलिए। तो अच्छे से स्प्रे कर देंगे पूरे प्लांट पर, इससे क्या होगा कि एप्सम सॉल्ट जो है ना वो लीव्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये भी एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है जो प्लांट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप NPK 1919 भी इसमें मिक्स कर सकते हो, तो बहुत अच्छे से स्प्रे कर देंगे पूरे प्लांट को।
जी फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने आपके सामने किया है। आप भी अपने हार सिंगार के प्लांट पर ये सारी चीज़ें कीजिए। और अभी मैंने एप्सम सॉल्ट को यहाँ पर स्प्रे किया है। आप इसके 4 से 5 दिन के बाद फंगी पाउडर का स्प्रे कर सकते हो, और उसके 4 से 5 दिन के बाद आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे जितना करोगे उतना प्लांट जो है वो लीफ से अब्सॉर्ब कर लेता है और उसको फ्लावर लाने में बहुत तेज़ी से हेल्प करता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस टाइम पर। लिक्विड फर्टिलाइज़र बदल बदल कर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। हफ्ते में आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दे देना है। जैसे कि यहाँ पर नीम की खली का फर्टिलाइज़र और सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बेस्ट है। और जो भी आपके किचन में से निकलता है उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ज़रूर अपने प्लांट की मिट्टी में गुड़ाई करके दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और फ्लावरिंग लगातार आती रहेगी। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी को बेल आइकन आता है ऑल पे प्रेस करना, तभी आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हमारा वीडियो देख सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको वाटरिंग करना बताना भूल गई, वाटरिंग भी करना है, ठीक है। हालांकि मेरी मिट्टी गीली थी बट फिर भी इसमें वाटरिंग कर देना ज़रूरी है। तो चलिए फिर।